नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शोभनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बताते, इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज, किसानों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। बैठक में रबी फसलों की एमएसपी पर फैसला हो सकता है। रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मिल सकती है मंजूरी। रबी फसलों की एमएसपी 9% तक बढ़ाई जा सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रबी फसलों के एमएसपी 9% तक बढ़ाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, केंद्र कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज, बड़ी जानकारी, यहां पर किसानों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। केंद्र कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, किसानों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, बैठक में रबी फसलों की एमएसपी पर फैसला हो सकता है और रबी फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी मिल सकती है। बड़ी जानकारी, रबी फसलों की एमएसपी 9% तक बढ़ाई जा सकती है। सूत्र के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, केंद्र कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज और किसानों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ पूरी जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, हमने देखा जिससे मानसून हुआ है वो लगभग ऐसा हुआ है कि कई जगह पर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगभग धान की फसलें देश भर में चौपट हो चुकी है। जिन इलाकों में धान की फसलें हुआ करती थी, रुपाई हुआ करती थी, वहां पर बारिश नहीं, सूखा हुआ। और हमने ये भी देखा कि जहां पर दूसरी फसलें खड़ी हुई थी वहां पर अतिवृष्टि से, अति वर्षा से वहां पर फसलों को नुकसान हुआ। अभी भी जो जहां पर धान कटा हुआ है वहां पर बारिश होने के कारण धान खराब हो गया, तो कई जगहों पर फसलें बर्बाद हुई है। सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई है। मध्य प्रदेश में जो खड़ी फसल जो थी उस पर, जो फसलें जो तैयार थी उन पर पानी की बौछार गिरने के बाद, बारिश होने के बाद में फसलें खराब हो गई, तो किसानों को जबरदस्त नुकसान हुआ है। लिहाजा सरकार आज बड़ा फैसला कर सकती है, कैबिनेट में किसानों को राहत दे सकती है, एमएसपी बढ़ा सकती है, एमएसपी बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा और भी कुछ राहत के उपाय किसानों को दिए जा सकते। बिल्कुल संजय, क्योंकि ये एक बड़ी खबर और किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, ऐसे में किस तरीके से और कितना लाभ इससे किसानों को मिल सकता है? देखिए, लाभ तो क्या होगा, उनकी जो खड़ी फसलें वो चौपट हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है, उनकी जो बर्बादी होगी जो उसको उनको कवर करने में कई सालों लग जाते हैं। एक फसल जब किसान की बर्बाद होती है तो उसको कवर करने में उनको 3 से 4 साल लगते हैं, 5 साल भी लग जाते हैं कभी कभी, और इस बीच में दूसरी फसल अगर बर्बाद हो जाती है तो किसान उससे उबर नहीं पाता, तो किसान की हालत जबकि तस रहने वाली है। हाँ, थोड़ी सी आप कह सकते हैं फौरी राहत एमएसपी बढ़ा करके दी जा सकती है। बिल्कुल संजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।